हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं ऑल जीरो आया हूं और अभी मैं ऑल जीरो से 7 किलोमीटर आगे आ गया हूं और इस जगह का नाम है रन पोलियंग। आई डोंट नो, शायद मिस्टेक हो सकता है प्रोनाउंसिएशन, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहां से जो ताजगी विलेज है वो है 12 किलोमीटर। और आज मेरा यहाँ आने का मकसद है, यहाँ पर एक बहुत ही पॉपुलर एक प्लेस है, एक गार्डन है, वेजिटेबल गार्डन जीरो में इस बार का सीजन में बहुत फेमस हुआ था, और वो है कैबेज गार्डन, जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ था यहाँ कैबेज प्रोडक्शन के लिए। और वो उसका जो गार्डन है ये है, जो मेरे पीछे जो पहाड़ देख रहे हैं आप, छोटा सा हिल, ये पूरा एक गार्डन है। और यहाँ पर कैबेज, ब्रोकोली और ना जाने कितने अलग अलग तरह के सब्जी को यहाँ इस बार उगाया गया है और बहुत ही नाम कमाया है। और आज कागो मेरे साथ है, धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, और आज हम दोनों ने ब्लैक चश्मा लगाया है, टर्मिनेटर का लुक्स बनाया है। और ये जो रास्ता में छोटा सा बैंडर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो कैबेज जो प्रोडक्शन होता है मेरे पीछे जो इस बागान से, तो यहाँ पर लाया जाता है और लोग होलसेल रेट में यहाँ पर सेल करते हैं। तो मैंने पूछा अभी कि होलसेल रेट कैसा है यहाँ 1 किलो का, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर 30 रुपया में गोभी का 1 किलो यहाँ पर बिकता है। तो अभी जस्ट सामने आया है एक गाड़ी व्यापारी यहाँ पर, देखते हैं वो क्या ले जाते हैं और कितना ले जाते हैं। तो एक दिन में कितना किलो बिक्री हो जाता है यहाँ पे? एक दिन में 3 क्विंटल। और यहाँ पे एक छोटा सा एक रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पर जो यहाँ घूमने आते हैं, ट्रैकिंग करने आते हैं, वो यहाँ पर बैठ के रिफ्रेशमेंट कर सकते हैं। तो जो रिसोर्ट को मैंने आपको बताया था, ये है वो रिसोर्ट छोटा सा, और ये दीदी जो है वो यहाँ का ओनर है। और ये जो बागान है, जो प्रॉपर्टी, ये जो हम लोग का जो नानी तट सर का है, तो उनका ही ये इनोवेटिव आइडिया है यहाँ पर कि एक इतना बड़ा पहाड़ को एक कैबेज गार्डन में बदलना और इतना नाम कमाना। और इस सीजन में तो बहुत ही फेमस हुआ जैसे मैंने आपको बताया था, तो प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर जीरो में गर्मी बहुत है आज, तो हमने लिया ठंडा पानी मैडम से, और अभी जाएंगे हम ऊपर गार्डन में थोड़ा सा हल्का फुल्का ट्रैकिंग करेंगे और सीधा वापस जाएंगे हापोली मार्केट में। और यहाँ पर एक ट्रेडिशनल आपातानी घर बना के रखा हुआ है, और पूरा बैम्बू से बना है, बट आजकल जो थैच रूप होता है, जो पहले बैम्बू से बनता था, वो आजकल जल्दी नहीं बन पाता है, तो ऊपर टिन शीट डाल के रखा हुआ है, बट ऑलमोस्ट 90% ट्रेडिशनल एंड टिपिकल। और ये एक छोटा सा ब्रिज जहाँ से मैं पार करके जाऊँगा, और आप कागो को देख सकते हैं, कागो ऑलरेडी ऊपर चढ़ चुका है। अभी हम जस्ट लाइक तोराई चढ़े हैं, तो यहाँ पर हमें मिला धनिया का बागान, ये देखिए पूरा धनिया लगा के रखा हुआ है। यहाँ से नीचे का नजारा कुछ इस तरह दिख रहा है। चलते चलते तो थक गए हम लोग, कागो भी रुक गया, सांस फूल गया उसका। तो देखिए आखिर जिस चीज को हम देखने आए थे वो हमें मिल गया है, यहाँ पर एक कैबेज बहुत सारा, और एक पेप्सी का बोतल भी, और यहाँ पर और ढेर सारा कैबेज। हम और ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, तो थकावट भी ज़्यादा महसूस हो रही है अभी, और लेकिन ये मत सोचिएगा कि मैंने पूरा चढ़ लिया, अभी
मंजिल वो ऊपर बाकी है, कागो रेस्ट कर रहा है। वहाँ पर एक बेंच बना के रखा हुआ तांबू का, और बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखेगा शायद वहाँ पर। और जो यहाँ का ओनर है, उन्होंने इसको सजाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। आप मेरे पीछे देख सक रहे हैं फ्लैग्स, बहुत सारा फ्लैग्स है, बहुत सारा फ्लैग्स, ऊपर तक फ्लैग्स लगा के रखा हुआ है, पूरा एरिया को सजा के रखा हुआ है। ये सिर्फ एक ऑर्गेनिक गार्डन ही नहीं, ये असल में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक पॉइंट भी है। यहाँ पर टूरिस्ट आ सकते हैं जो बाहर से आते हैं, जिसे नेचर से लगाव है, गार्डनिंग से प्यार है। यहाँ का ट्रैकिंग कीजिएगा और देखिए कि यहाँ पर कल्टीवेशन किस तरह से किया जाता है, आपको बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिल सकता है यहाँ से। तो कागो, आपको यहाँ पर आज आके कैसे लग रहा है इस कैबेज गार्डन में? हमको इधर आके अच्छा लग रहा है। फिलहाल हम भी किसी फेसबुक में देखा था, जब मैं गोभी का बगल है बोल के, अभी आया है तो हमको अच्छा लग रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेंच है बैठने का, और बहुत सुंदर से बना है, ये रेस्टिंग पॉइंट है। और यहाँ से नज़ारा बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है यहाँ पे। वो देखिए रास्ता में ट्रकर्स, दापोरिजो से आ रहा है ट्रकर्स। तो हमने यहाँ पर 5 मिनट रेस्ट कर लिया और अभी फिर ऊपर चढ़ रहे हैं। तो मैंने बोला कागो को कि बस काफ़ी है यार, वापस चलते हैं आपोली, लेकिन ये मान नहीं रहा है, बोल रहा है कि ऊपर जाना है। और तो चलिए देखते हैं कागो के पीछे पीछे, और क्या पता आगे और जाने पर हमें और खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिल सकता है। और एक बहुत ही मज़ेदार बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इस जो कैबेज गार्डन के बारे में। आप मेरे चारों तरफ देख सक रहे हैं, यहाँ पर आपको कहीं इरीगेशन का पाइप दिखाई नहीं देगा, यानी कि यहाँ पर जो गोभी है उनको पानी देने का जो पाइप वगैरह कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर बम्पर हार्वेस्ट होता है। इसका रीज़न एक है कि ये जो एरिया है, ये जो होल एरिया है, ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत फोगी हो जाता है, शाम को सवेरे बहुत फोगी रहता है यहाँ पर। अभी भी आप देख सक रहे हैं मेरे पीछे बादल गुरुम गुरुम उमड़ रहा है। तो क्या होता है कि नेचुरली यहाँ पर जो फोग आता है शाम सुबह को, तो उसी से यहाँ पर जो वेजिटेबल्स है उनको यहाँ पर मॉइस्चर मिल जाता है, और उनका जो पानी का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता है। तो हम वो चोटी को छोड़ के जा रहे हैं, अभी हम वापस नीचे जा रहे हैं क्योंकि हमारा काम भी है हापोली में। तो ईटानगर से साजन ने कुछ सामान भेजा है मेरे लिए, तो हमें उसको भी कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करने के बाद हमारा कुछ अलग ही काम है, तो हम उस काम में फिर लग जाएंगे। तो अभी हमारा पास कुछ समय था है, तो इसलिए हम यहाँ पर देखने आए हैं। लेकिन मन में बहुत इच्छा था पहले से कि यहाँ पर हम इसको एक बार ज़रूर देखने आए हैं, और आज मेरा वो जो विश था वो पूरा हो गया कि जो हमने देखा था न्यूज़ में वो बिल्कुल सच है। यहाँ पर जो कैबेज है वो बहुत ही सुंदर तरीका से उग रहा है। तो अभी हम ऊपर से आ गए नीचे, अभी फिर कागो हमने सोचा कि इतना दूर आ ही गया तो हम लोग भी अपना घर के लिए थोड़ा थोड़ा गोभी लेके जाएंगे यहाँ से खरीद के, क्योंकि वैसे भी मार्केट रेट से बहुत सस्ता है। आपको मैंने बताया यार 30 रुपीज़ में मिल रहा है, और मार्केट में ये बिकता है 50 रुपया में, तो बिल्कुल 20 रुपये का डिफरेंस है। और हम ये मौका बिल्कुल गंवाना नहीं चाहते, और हम यहाँ से लेके जाएंगे अभी क्या बेच। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि 30 रुपया किलो बिक रहा है, लेकिन आप यहाँ पर आकर मोल भाव भी कर सकते हैं। तो ये भाई साहब लोग बहुत अच्छे हैं, कभी कभी 25 रुपया में भी दे देते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर दीदी लोग भी यहाँ पर कैबेज ले रहे हैं यहाँ पर, और जो भी यहाँ से गुजर के जाता है, दापो जाता है, लगी जाता है, सब जो रास्ता में इसको पता है यहाँ पर सस्ता में कैबेज मिलता है, वो यहाँ पर रुक जाते हैं और अपना ले जो भरपूर कैबेज लेके चला जाता है। तो अभी मैं भी अपना लाइन में खड़ा हूँ, मुझे भी यहाँ से कैबेज लेके जाना है, और आज शाम को बताऊँगा कि ये कैबेज का टेस्ट कैसा है। अभी अभी नया इन्फॉर्मेशन मिला है, जो छील रहे भाई साहब ये लोग, ये छिलका भी ऐसे वेस्ट नहीं जाता है, जो यहाँ पर जो पिगरी करते हैं, गौरी वौरी पालते हैं, वो लोग उसको लेने आते हैं और बस्ता में भरा के बेचते हैं, और एक बस्ता का दाम है 150 रुपीज ओनली। तो जैसे आप देख रहे हैं मेरा यहाँ पर 3 बैग मैंने ले लिया कैबेज। पहले सोचा था मैं 10 kg लूँ, लेकिन मैंने बाद में फिर सोचा कि चलो पड़ोसी को भी बांटना है वहाँ पर, तो मैंने और 6 किलो एक्स्ट्रा लिया मैंने यहाँ पर। तो अभी भैया जी बताएंगे कि दाम कितना हुआ है। 400। तो देखिए 16 किलो ना, 16 kg कैबेज, और दाम पड़ा मुझे सिर्फ 400 रुपया, जो कि मार्केट रेट का बिल्कुल ही हाफ है। तो जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं
ऑल जीरो पार करके 6 किलोमीटर आगे आइएगा, यहाँ पर आपको राइट साइड में एक केबेज का बहुत बड़ा गार्डन दिखाई देगा। वहाँ पर आएगा, रास्ते किनारे पे दो भाईचान रहते हैं और यहाँ पर केबेज बिक्री करते हैं। यहाँ से लेके जाइएगा और जीरो का केबेज का आनंद उठाइएगा। तो अभी हम जो आपको केबेज का गार्डन दिखाए थे, वहाँ से हम आ गए हापुली टाउन में। हापुली टाउन आके हमें बहुत भूख लगा और आज हमारे साथ लंच में है काली भाई। तो बहुत दिन के बाद काली भाई को मिला और साथ में हम खाना भी खा रहे हैं। तो अभी एक नया होटल खुला है यहाँ पे, गौरी एन एनी करके, यहाँ पर ट्रिजी टाउन के नीचे है। यहाँ पर बहुत बढ़िया खाना मिलता है, तो हमने सोचा कि आज हम यहीं पर खाना खाएंगे, अपना लंच करेंगे और आज का दिन को यहाँ इंजॉय करेंगे।